इंडियन न्यूज पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमी धारीवाल लैके हाजिर हाँ तुहाडे लिए इस वेले दीआं वड्डीआं खबरां। थोड़ी ही देर च सीएम दी योगशाला की शुरुआत होवेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान करनगे शुरुआत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। पटियाला तो होवेगी सीएम योगशाला की शुरुआत। जी हाँ, पंजाब दे विच सीएम दी योगशाला की शुरुआत होने जा रही है, जिसनों लैके थोड़ी ही देर दे विच जिहड़ा आ सीएम भगवंत मान ते दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल दोवें ही पटियाला तो इसकी शुरुआत करनगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों पिछले दिन एक वीडियो जारी करके इस बारे जानकारी दी गई सी। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर हल्के दे विच जिहड़ा इह सीएम दी योगशाला की शुरुआत की जाएगी, जिस दे विच हर एक व्यक्ति नूं पंजाब दे विच योग की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को अपील भी की थी कि योग करन दे नाल बहुत सारिया बीमारियां दूर होंदिया ने, खुद ही योग करते रहे तो लोगों नूं योग वल ध्यान देना चाहिए। साड़ा जिहड़ा युगों तो चलता आ रहा है योग, तो योग नूं लैके सीएम भगवंत मान दे वल्लों भी यह कहा गया सी, लोगों नूं अपील की गई सी कि योग नूं अपनाना चाहिए सानूं ते साडी सेहत नूं तंदुरुस्त रखना चाहिए। थोड़ी ही देर दे विच सीएम दी योगशाला की शुरुआत होवेगी। पटियाला तो आगाज जड़ा सीएम योगशाला का किया जाएगा। थोड़ी ही देर दे विच पंजाब दे सीएम भगवंत मान ते दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल दोवें ही शुरुआत करनगे पटियाला तो। पटियाला तो इस योजना का आगाज होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी उस मौके मौजूद रहेंगे जदों सीएम की योगशाला का आगाज जड़ा पटियाला तो किया जाएगा। इसनों लैके तैयारियां भी जड़िया जोरों शोरों के नाल चल रही ने। भी कहा जा रहा है कि हर मोहल्ला क्लीनिक दे विच भी जड़ा ये सीएम दी योगशाला खोली जाएगी, लोगों नूं तंदुरुस्त रखने दे लई, पंजाब नूं तंदुरुस्त रखने दे लई, पंजाब नूं खुशहाल बनाने दे लई ये जिहड़ा उपराला किया जा रहा है, योजना लियांदी गई है। तो सीएम भगवंत मान दे वल्लों भी कुछ दिन पहला एक वीडियो जारी करके इस बारे जानकारी दी गई सी। उन्होंने कहा सी कि हर बच्चे बड़े बुढ़े बुजुर्ग जवान सब नूं योगा करना चाहिए, योग करना चाहिए। ग्राउंड में एक बड़ा समागम रखा गया है जिसमें पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में? आप पेशे से भी डॉक्टर हैं और योगशाला की शुरुआत आज पंजाब भर में की जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना तो नहीं कहूंगा, जो उनकी कोशिश है कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है, उसके लिए ये बहुत ही एक अहम स्टेप है। आज जो सीएम की योगशाला वो शुरू करने जा रहे हैं और श्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों आएंगे और ये लोगों को समर्पित करेंगे। ये योग हमारी अपनी साइंस है, इंडियन साइंस है, एंशिएंट साइंस है और ये एक साइंस है जो कि एक जीने की कला है और इससे आदमी हमेशा तंदुरुस्त रहता है। जब भी आदमी योग करता है उससे मतलब ये जिसको हम कहते हैं कि बॉडी माइंड एंड सोल फिटनेस के लिए, जो शरीर के लिए भी, आत्मा के लिए और मन के लिए भी, सबकी तंदुरुस्ती के लिए ये एक बहुत ही उत्तम साइंस है और इसको वेस्ट ने, यूरोप ने और अमेरिका ने अपनाया है। कहीं ना कहीं ये भारत से बहुत कम हो गई थी, लुप्त हो गई थी। शायद यही वजह है कि पंजाब में आप देख रहे हो कि लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, गुर्दे बदले जा रहे हैं, स्टंट पड़ रहे हैं। तो अगर लोग इसके साथ दोबारा जुड़ेंगे, अपनी जड़ों के साथ जुड़ेंगे, योग के साथ जुड़ेंगे, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री का मानना है, तो ये बहुत सारी बीमारियों से, जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस भी कहते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, तो उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ये बहुत एक बेहतरीन तरीका है। तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, शुरुआत दिल्ली से की गई थी, दिल्ली में जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पॉल्यूशन का मुद्दा शुरू से दिल्ली में गरमाता आया है, पंजाब में लोगों को जमीनी लेवल पर कितनी जरूरत है इसकी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिल्ली में शुरुआत करी गई थी, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली
जो वहाँ के एलजी साहब हैं उन्होंने कई जगह पे योगशाला बंद करा दी, जो बहुत ही मंदभागा था। लेकिन पंजाब में हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब में हम ये जो हमारे उपराला है हमारे मुख्यमंत्री का, इसको हम हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में लेके जाएंगे। पंजाब में आप जैसे जानते हो कि ड्रग्स की बहुत प्रॉब्लम है, 100 सेंटर बने हुए हैं जो जिसको डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस सेंटर, जो लोगों के गुर्दे फेल हो गए हैं और वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उसे उसकी वजह से बहुत सारी और दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है कि इसका कारण क्या है, मैं बहुत सारे जो डायलिसिस सेंटर है वहाँ गया, मैंने मरीजों से बात करी, मैं कहा आपका कारण क्या था, दो कारण निकले, एक ब्लड प्रेशर, एक शुगर। वो दोनों का इलाज जो है उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने पहले आम आदमी क्लिनिक जिसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है, अब उससे भी एक कदम आगे जाके। डॉक्टर बलबीर सिंह पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बातचीत कर रहे थे हमारे साथ, और आज से शुरुआत पंजाब भर में शुरू होने जा रही है और पटियाला से इसकी रस्मी तौर पर शुरुआत होने जा रही है, और आज से फगवाड़ा, अमृतसर और लुधियाना में भी शुरुआत होगी। चार शहरों के बाद पूरे पंजाब भर में जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं उनके पास एक योग सेंटर खोले जाएंगे जिसमें योग टीचर उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि ग्राउंड लेवल पर लोगों को योग सिखाया जा सके। कैमरा पर्सन मोनू के साथ अरुण आहूजा, इंडिया न्यूज़, पटियाला।